नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पे। जय माता दी। इस चैत्र के पावन पुनीत अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी न्यू माढ़ा के ग्राउंड में नवकुंडी हवनात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ का विशाल आयोजन हो रहा है। चैत्र नवरात्रा विक्रम संवत हमारे भारतीय हिंदू सनातन धर्म में आज से हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है।
और चैत्र की नवरात्रि का प्रथम दिवस इस शुभ अवसर पर आप सब भक्त माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के निमित्त माँ भगवती का यजन करें, पूजन करें, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस नवरात्रि के पर्व पर माँ भगवती साक्षात स्वरूप धारण करके भक्तों के कल्याण के निमित्त इस धरा पर पधारती है। नव दिन की इस नवरात्रि के पर्व पर आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए और इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाइए। यहाँ पर जल यात्रा के माध्यम से हमारे नवरात्रि के जो महायज्ञ का आयोजन किया गया है उसका शुभारंभ। आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर यह महायज्ञ का आयोजन हो रहा है जिसमें दूर दूर से आकर के भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है और हम सब के लिए बड़े आनंद की बात है कि हम सबको चैत्र की नवरात्रि पर माँ भगवती उनका पूजन यजन करने का अवसर प्रदान करती है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं को पूर्ण करती है। आप क्या कहना चाहेंगे आज कलश यात्रा में भाग लेने पहुंचे हैं सब परिवार, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? शास्त्री जी, काफ़ी सालों से ये यात्रा भाग 3-4 कार्यक्रम करते हैं, साल में 3-4 प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम पूरे से पूरे सहकार्य करते हैं और आज का जो प्रोग्राम है वो लेडीज़ लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है नवरात्रि के कारण और काफ़ी लोग इसमें सहयोग भी दे रहे हैं। शास्त्री जी ऐसा कार्यक्रम हमेशा करते रहे, उनका हमारा जो सपोर्ट है हर वक्त हमेशा रहेगा चारों बाजू से, तो उन हर एक शुभकामनाएं। प्रोग्राम नवरात्रि है, 12 साल से लगभग हम लोग कर रहे हैं और सब शास्त्री जी की कृपा से ये प्रोग्राम हो रहा है और माँ भगवती की बहुत कृपा हासिल कृपा है हमारे पे, हम लोग ये प्रोग्राम साथ में सब मिलजुल के प्रोग्राम करते हैं। गुरु जी, काफ़ी बढ़िया एरिया है लोखंड वाला का, ये जगह कितना सहयोग लोगों से आपको मिल पाता है इसके लिए यहाँ के निवासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, बिना भक्तों के बिना भगवान की पूजा, हम भक्त ही एक पत्थर की मूर्ति को भगवान का स्वरूप देते हैं, तो सभी भक्तों का पूर्णतया हमको साथ मिलता है तभी यह कार्य संभव हो सकता है, अन्यथा हमने अथवा किसी और में सामर्थ्यता नहीं है। यज्ञ कार्य समस्त समाज के कल्याण के निमित्त किया जाता है। वेदों में वर्णन आया है कि यज्ञो भवति परजन्याः, यज्ञ से भगवती की कृपा बरसती है, उस कृपा से हमारा समाज हमारा देश खुशहाल होता है। यज्ञ से धुआं उठता है, धुआं से बादल बनते हैं, बादल से जब बारिश होती है तो अन्नों की सुंदर उपज होती है जिससे हमारे समाज का हमारे देश का उस अन्न के कारण जब हमको आनंद प्राप्त होता है तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि मंत्र जो है पूर्ण है और मंत्रों से ही हमारे देवी देवता इस धरा पर पधारते हैं, उन्हीं देवी देवताओं का यजन ही के निमित्त यह नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हर वर्ष की तरीके इस साल भी परम हर्ष के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है और जिसके लिए मैं हमारे जो गुरु जी हैं धर्मदास शास्त्री उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर्वजन समाज कल्याण हेतु ये हर साल अपने दम पर ये यज्ञ करते हैं, ना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के ना किसी संस्था के द्वारा सपोर्ट पे, आम लोगों को लेकर के इस यज्ञ का आज कितने साल से 12 साल से जिस तरीके से सफल आयोजन किया जाता है उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। पिछले कई वर्षों से मैं भी उस यज्ञ में आपको भागीदार के रूप में देखते रहता हूँ, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज कल्याण हेतु और देश और धर्म कल्याण हेतु हम जितनी भागीदारी निभाएं वो कम है और मैं आम जनता से समस्त देशवासियों से समस्त हिंदू धर्मवादियों से समस्त सनातन धर्म को मानने वालों से अनुग्रह करता हूँ कि हमारे परम पूज्य धर्मदास शास्त्री जी का वो हाथ बटाएं और इसी तरीके से यज्ञ सफल हो और हमारे धर्मदास शास्त्री जी का एक बहुत आंतरिक इच्छा है कि एक मंदिर का निर्माण हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों से या खास करके मुंबई के अंधेरी वासियों से अनुग्रह करता हूं कि इसमें योगदान करें और एक मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो ताकि हमें इधर से उधर भटकने की जरूरत न पड़े, हर साल वहीं पे भव्य इस यज्ञ का आयोजन किया जाए। बड़ा ही खास है यह अप्रैल महीना या नवरात्रि का महीना, इसी अप्रैल माह में चुनाव भी होने हैं यहाँ पे,
मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं? ये धार्मिक अनुष्ठान है, यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं, नहीं राजनीतिक बात नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो वोट करने नहीं जाते हैं इसलिए हमारा कोई काम नहीं है उनके लिए। समस्त देशवासियों का इस महापर्व पे, जो लोकतांत्रिक महापर्व है, मैं उनसे अनुमोदन करूँगा कि वो वोट जरूर करें। गुरु जी, वोट करने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग बूथ पर पहुँच के वोट कर सकें, ताकि एक अच्छे भारत का निर्माण हो सके? मैं सभी अपने देशवासियों से अनुरोध करता हूँ, अच्छे लोकतंत्र के लिए, अच्छे हमारे राजा के निमित्त आप वोट करने जाइए, सोच विचार करके अपना फैसला दीजिए, क्योंकि हम सबसे ही राजा होता है और राजा वही है जो प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा का पालन करें। इसी निमित्त आप अवश्य जाइए और अपना मत प्रदान करिए, आपका मत एक दान ही है और वह दान महादान कहलाता है, तो अवश्य अपने मत का प्रयोग करें। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास, तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर।